माँ पुण्य सलीला शिप्रा के किनारे लगातार एक महीने तक चलने वाले सिंहस्थ में कितने लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, ये केवल एक संख्या है, लेकिन उससे बड़ी बात उस जन सैलाब की है जो गांव देहात से निकलकर सिर पर गठरी लगकर यहाँ पर माँ शिप्रा के किनारे आता है और डुबकी लगाता है। लेकिन पुरातन मान्यता की वजह से महत्व बन गया है उन शाही स्नानों का, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के संत महंत आकर स्नान करते हैं। आधी रात के बाद यहाँ घाट पर तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। राम घाट और मंगल घाट, दत्त अखाड़ा क्षेत्र के घाट जगमगाकर सफाई के साथ सभी चाक चौबंद और तैयारी है साधु संतों की आगवानी की। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन आधी रात का समय और ये घाट तैयार हैं तमाम उन अखाड़ों की आगवानी के लिए, जो यहाँ पर एक ऐसे नैनाभिराम दृश्य को प्रस्तुत करेंगे जो भारत की संत परंपरा का एक अनमोल पन्ना है, हम कह सकते हैं। काल में पता नहीं ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं जिससे शाही स्नान कुछ ज़्यादा महत्व पा गए हैं। वैसे तो यहाँ पर आम श्रद्धालु भी डुबकी लगा सकते हैं, स्नान का आनंद ले सकते हैं, लेकिन शाही स्नान वाले दिन आधी रात के बाद से ये जो घाट हैं ये केवल संतों के लिए, अखाड़ों के लिए, नागा साधुओं के स्नान के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। सभी सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग ये इंतजाम करते हैं कि रात 12 बजे के बाद यहाँ से आमजन का प्रवेश बंद कर दिया जाए और यहाँ पर घाट पर केवल संतों की आगवानी के लिए तैयारी की जाए। रात को 2 बजे के बाद से यहाँ पर शाही स्नान 21 तारीख का बुद्ध पूर्णिमा का ऐतिहासिक अंतिम शाही स्नान होगा और जिसके बाद इस सिंहस्थ 2016 की पूर्णाहुति माना जाएगा। पूरे एक महीने तक लगातार यहाँ पर करोड़ों लोगों ने पुण्य लाभ लिया है। पहला शाही स्नान जब हुआ था तब अचानक देखा गया था कि बहुत कम लोग यहाँ पर घाट पर आ पाए थे, सुरक्षा व्यवस्था का डर कहें, गर्मी कहें या कुछ और इंतजाम की दिक्कत है, लेकिन उसके बाद जो रेला भीड़ का आया तो उसने रुकने का नाम नहीं लिया। खास तौर पर बीच में जो आंधी तूफान से दिक्कतें हुई उसके बाद तो लगातार भीड़ ने यहाँ पर आकर इस सिंहस्थ को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। निश्चित तौर पर इसके लिए वो लोग जो इस व्यवस्था में हजारों लोग दिन रात लगे हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये सिंहस्थ इस शाही स्नान के साथ अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होगा।